दोस्तों आज मैंने बनाना है ये कलेजी की कढ़ाई बनाना है और उसमें मैरिनेट करूँगा। ये आप देख रहे हैं ये 100% प्योर है, चेरी का जूस है इसके साथ। तो इसमें मैंने, क्योंकि जो यूरोपियन है वो वाइन डालते हैं, इटालियन वगैरह वाइन डालते हैं, तो ये उसमें अल्कोहल होता है, इसमें अल्कोहल नहीं है, तो ये मैंने डाल दिया। उसके साथ मैंने ये पीसी हुई अपना धनिया है डाल दिया, और ये ज़ीरा है, जो जितनी ज़रूरत है उतनी ही आपने डालना। बस इसी दो को अभी इसी में मैंने रखना है एक घंटे के लिए। दोस्तों तकरीबन 2 घंटे तो हो गए इसके। ये मैंने साइड पे भी एक चूल्हा कढ़ाई रखा हुआ है ताकि गर्म हो जाए। मैंने जो ये कहा इसलिए कि यूरोप और अमेरिका में लोग वाइन डालते हैं तो वो भी जूस होता है, इसी तरह टमेटो भी ये फ्रूट है, मगर सस्ता फ्रूट है, और एक अपना हांडी में डाल देते हैं। तो इस आज मैंने इटालियन का सास होता है, इसे राउ कहते हैं, ये देख लें ना स्पाइसी सा, इसमें सब कुछ डला हुआ है। आज मैंने इसी से मैंने बनाना है टमेटो की जगह में, और मैंने ज़रा ये जूस डाला हुआ है 100% प्योर, ये चेरी का जूस है, उससे मैंने इसको मैरिनेट किया हुआ है। बाकी ये आइटम ये सारा आ रहा है। हमने गर्म मसाला इतना ही लिया हुआ है, एक बड़ा चमचा, ज़रा सा काली मिर्चियाँ हैं, ये नमक एस बे ज़रूरत, बहुत ही कम लेता हूँ मैं। बाकी ये है लहसुन है, जिसे गार्लिक कहते हैं, और प्याज, प्याज ये आधा भी डाल देंगे आधा बाद में, और ये अपना पाउडर है अपना हल्दी, हल्दी पाउडर है, ये भी बाद में डाल देंगे। ये मिर्चे हैं और ये धनिया है, ये बाद में होगा, बाद में ये मिर्ची डालना है, और मिर्च मैंने नहीं डालना, ये इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है। ये बनेगा कढ़ाई कलेजी का, आज कलेजी की कढ़ाई बनाना है। तो अभी जाके इसको मैंने डालना है, तेल गर्म हो गया तो अभी हांडी पे जाना है। अभी ये मैं रजिस्टर में जाऊँ, ये मैंने लिए तकरीबन 3 पाउंड बने थे कलेजी जो जितने। अभी छोड़ेंगे इसको ज़रा सा एक 2 मिनट के लिए, ज़रा इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए, तो बाद में फिर इसमें बाकी मसाले और बाकी आइटम डाल देंगे।
जी दोस्तों, अभी जो इसका जो अपना पानी था वो खुश्क हो गया है, तो अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ जो मैंने कहा था, जो ये इटालियन सॉस है, एस्पेगेटी की सॉस, जो इसमें सब कुछ मिक्स है, इसमें गार्लिक भी है, जिंजर भी है, सारे हैं। ये वही नमक जो मैंने रखा था, क्योंकि मैं नमक बहुत ही कम लगा। ये हल्दी, गरम मसाला, और ये है जिंजर, जरा सा इसमें ऑलरेडी भी है। बस इसमें और सिर्फ रह गया हरी मिर्च और प्याज जो लेफ्ट ओवर, वो बाद में डाल देगा। जरा से इसको पकने दे। अच्छा दोस्तों, अभी वो जो प्याज है, ये मैंने बाकी मंद प्याज भी इसमें डाल दें, क्योंकि ये मसल अगर पक जाएगा तो इस तरह इसमें जितना न्यूट्रिशन है वो रह जाएगा। बाकी वो मैंने मिर्चे जो कहा था ये वही है। विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है, फाइबर होता है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, इसका जो असर होता है कम हो जाता है इस तरह। इसमें इसको से किलो चढ़ूँगा ताकि ज़रा सा और इसका पानी खुश हो जाए, तो बिल्कुल वेल डन, बड़ा टेस्टी बन जाए। दोस्तों, मैंने जो इसमें हरी मिर्चें डाले थे, इसका खुशबू आ रहा है, अभी वेल डन हो गया, पानी भी इसका खुश्क हो गया। अभी इसका कितना है, गार्निश करने के लिए इसका खुशबू और टेस्ट रहेगा, एकदम ज़्यादा नहीं पक जाएगा। अरे धनिया अभी डाल दिया लास्ट में, बस ये 10 मिनट ये चीज़ मन रखने। ये हो गया फाइनल इसका। आज जो मैंने इस मैरिनेट किया था चेरी का जूस से, और मैंने जो सिंपल जो मसाले होते हैं देसी लोग डालते हैं वही डाल दिए, और कुछ इसमें नहीं, और जो रेगू सॉस होता है जो स्पेगेटी का जो इटालियन सॉस है उसके साथ मैंने बनाया। तो एक तो टेस्ट किया, बड़ा टेस्टी आया हुआ है, अभी देख लेना इसमें। ये है सर,